लेसन नंबर 7 की शुरुआत करें केमिस्ट्री में, और आज की जो हमारे पास प्रमुख बात रहेगा उसका नाम होगा फास्फोरस। फास्फोरस आप जो पढ़ रहे हैं वर्ग नंबर 15 के बारे में पढ़ रहे हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन के बारे में जितनी जानकारी थी ले ली, अब हम लोग फास्फोरस के बारे में जानकारी को लेना। पहला तो आप ये जानते होंगे जो फास्फोरस होता है वह वर्ग 15 के तत्व होता है, ये तो आप याद होगा। जो फास्फोरस होता है वह एक अधातु होता है, ये भी आपको याद होगा। जो फास्फोरस होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपको याद होगा। जो फास्फोरस होता है इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, ये भी आपको याद होगा। सारा चीज़ आपको हमने बताया। और जो फास्फोरस होता है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस भी होता है। तो चलिए प्रधान फास्फोरस के बारे में हम लोग समझे ना, फास्फोरस के बारे में, तब हम लोग फास्फोरस के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। लिख लीजिए कि फास्फोरस वर्ग 15 का तत्व होता है, वर्ग 15 का तत्व होता है। यह अधातु होता है, अधातु होता है, या ठोस अवस्था में पाया जाता है, या ठोस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। और आप जानते होंगे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 15 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 15। अच्छा आप रूप कोई कहेगा तो आपको याद होगा जिसका रूप एक समान हो लेकिन उसका गुण क्या हो अलग अलग, वही होता है। तो फास्फोरस के अब अपरूप के पास आएंगे। फास्फोरस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आप तीन जान जाइए फास्फोरस के अपरूप। अपरूप में आप लिख सकते हैं कि ये तीन प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। पहला जो होगा उसका नाम होगा श्वेत फास्फोरस, एक आपका होगा लाल फास्फोरस, फिर आपका होगा काला फास्फोरस। मैं आपको बता दूं श्वेत फास्फोरस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो पहला तो जानो कि इसकी जो सूत्र होता है P4 से प्रदर्शित करते हैं। और जो श्वेत फास्फोरस होता है ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, ये भी आप बता सकते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होता है श्वेत फास्फोरस। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में होता है, ये भी आपको याद होगा। और फास्फोरस जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फास्फीन गैस भी बनाता है। विषैला होता है, जल में अभिलय होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलय होता है। और अंधेरे में अगर रख दे फास्फोरस को तो उसमें से देखते हैं कि प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। ये सारा चीज़ आपको बता सकते हैं। अस्थायी अणु होता है और इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है, समझ रहे बात को। तो यही होता है फास्फोरस। आप जरूर याद रखेंगे फास्फोरस को हम लोग P4 से प्रदर्शित करते हैं। ये ज्वलनशील गैस होता है, बहुत अधिक क्रियाशील गैस भी होता है। और हालांकि जल में जब डालेंगे तो नहीं घुलेगा, जल में क्या होता है नहीं घुलता। पानी ले लें, पानी में फास्फोरस के टुकड़ा अगर डाल दें वह भी श्वेत फास्फोरस को, तो वह नहीं घुलेगा। लेकिन अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड जिसको आप CH2 कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में अगर इसको आप डाल दें, हाँ वही होता है CH2, तो उसमें ये गल जाता है, उसमें क्या होता है गल जाता है। तो सब इसके गुण रहे, हालांकि इसके क्रिया में आप दिखा सकते हैं कि जो श्वेत फास्फोरस होता है पहले सोडियम कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं ना, वही से क्रिया करता है तो फास्फीन गैस बनाता है। और फिर आप कह सकते हैं इसमें कि यही फास्फोरस जब अंधेरे कमरे में रख देते हैं तब प्रकाश उत्पन्न करता है, इसका मतलब ये हुआ कि
वो चमकदार बहुत होता है, लेकिन बहुत जहरीला होता है जान जाना। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग श्वेत फास्फोरस के, लिखना कि यह पहले ही लिखना कि इसे P4 से प्रदर्शित करते हैं, P4 से प्रदर्शित करते हैं। और भी लिख सकते हैं कि यह परभाषी श्वेत मोसी ठोस है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऐसे लिख लो या पारदर्शी होता है या ठोस अवस्था में पाया जाता है, ना कहीं है कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, या कलम है ना उसी अवस्था में पाया जाता है, या ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में कहा आता है पाया जाता है। और यह विषैला होता है, विषैला खा लेगा तो उलट जाएगा, ये विषैला होता है, जल में अभिलय होता है। हम देश का राम राम सत्य है, जल में विलय होता है तथा कार्बन डाई सल्फाइड इसका सूत्र होता है CH2, CH2 में अभिलय होता है, CH2 में क्या होता है विलय होता है, विलय अभिलय या जल में अभिलय लिख लेना, वहाँ जल में डालोगे तो नहीं घुलता, लेकिन कार्बन सल्फाइड में विलय होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये याद रखना। और अगर इसको अंधेरे कमरे में रख देते प्रकाश उत्पन्न करता है ना, इसको हम लोग दीप्त कहते हैं, दीप्त माने प्रकाश, इसे अंधेरे कमरे में रखने पर यह प्रकाश उत्पन्न करता है, यह प्रकाश उत्पन्न करता है, अंधेरे कमरे में रखने पर यह प्रकाश उत्पन्न करता है। कुछ इसके रासायनिक अभिक्रिया भी हैं, जिसमें पहला आप कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया P4+NaOH+H2 जब क्रिया कराओगे ना तो आपके पास बनेगा फास्फी, यह फास्फीन के सूत्र अभी हम लोग पढ़ेंगे भी इसको, PH3+ बनेगा 3NaH3 H2 PO2, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हालांकि बहुत अधिक ऑक्सीजन से भी क्रिया करा सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ये मिटा देना ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन जो जानते ही होंगे O2 होता है ना, आप दूसरा लिख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया, O2 के साथ क्रिया, P4+O2 जब क्रिया कराएगा तो बनाएगा P4O10, P4O10 या 5 से मल्टीप्लाई, इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्साइड, इसका फास्फोरस, अगर चाहो तो दो कामा ले सकते हो यहाँ से, पेंटाक्साइड।
अब आ जाओ श्वेत फास्फोरस की संरचना। श्वेत फास्फोरस की संरचना मिटा दे सब, याद है ना? जब ऐसे ही नजर आ रहा है कि फास्फोरस चार गो है तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय हो गई। चार गो ना पी फो पी 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 चार लिख लेना कि श्वेत फास्फोरस की संरचना की संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है श्वेत फास्फोरस की संरचना चतुष्फलकीय हैंगा बने। वो यहाँ पर पी, एक यहाँ पर पी, एक यहाँ पर पी, एक यहाँ पर पी मिला दे इस तरीके से। और फिर ले आ करके इसके साथ ये मिला दो, इसके साथ ये मिला दो, और यहाँ पर जो कोण बनता है 60 डिग्री का बनता है। चार को पी होता है ये श्वेत फास्फोरस को पी फोर्स प्रदर्शित करते ही, तो इस तरीके से आपके पास श्वेत फास्फोरस की संरचना बन जाएगी। पी फोर है तो 1 2 3 4 आप बना करके 60 डिग्री का कोण। तो आज का जो डाटा रहा श्वेत फास्फोरस के बारे में, दो रिएक्शन आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहा, एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हालांकि जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना पी फोर है फास्फीन बनाने के लिए उसी का प्रयोग करते हैं जो आप रिएक्शन लिखे थे प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। अब आइए अब हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस के बारे में। तो श्वेत होता लाल के केवल पी से प्रदर्शित करते हैं, लाल फास्फोरस को केवल किससे प्रदर्शित करते हैं पी से।